Dear students, welcome to online study classes. Subject code MAPS 109, subject theory of international politics, unit 13, post cold war new system in world. I am Kamna Yadav, assistant professor, Uttar Pradesh, Rajesh Tandon, Mukt Vishwavidyalay, Prayagraj. तो सबसे पहले हम देखते हैं उद्देश्य, जो शीत युद्ध के बाद जो विश्व में व्यवस्था उत्पन्न हुई, एक नई व्यवस्था के रूप में उभर कर सामने आई, तो उसका जो है उद्देश्य क्या था, सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं. उद्देश्य शीत युद्धोत्तर विश्व व्यवस्था के विषय में हमको समझना है, वैश्वीकरण के विचार को समझना है. अगला है वैश्वीकरण के युग में राष्ट्र राज्य की स्थिति के विषय में जानकारी प्राप्त करना है. इसके बाद हम देखते हैं प्रस्तावना. प्रस्तावना में शीत युद्ध के दौर में शस्त्रीकरण की दौड़, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, क्षेत्रीय राजनीति, नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था आदि देखने को मिली. शीत युद्ध की समाप्ति के साथ ही कई देशों में साम्यवाद की समाप्ति के रूप में सामने आया. सोवियत संघ जैसी महाशक्ति अशांति के कारण विखंडित हो गई, जिससे साम्यवादी व्यवस्था बिखर गई. विचारधाराओं के मध्य संघर्ष में उदारवाद ने निर्णायक विजय हासिल कर ली. इसके बाद जिस नई व्यवस्था का जन्म हुआ, इस विश्व व्यवस्था की एक पहचान नई विश्व व्यवस्था के रूप में की जाती है. तो हम प्रस्तावना में सबसे पहले देखते हैं शीत युद्ध के दौर में जो कि शस्त्रीकरण की दौड़ हो रही थी. तो मैंने कि पहले वाले टॉपिक में जिसमें कि शीत युद्ध मैंने जो है चर्चा किया था, उसमें मैंने बताया था कि शीत युद्ध क्यों उत्पन्न हुआ. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब शीत युद्ध की एक शुरुआत हो जाती है, शीत युद्ध इसलिए हो जाती है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो विश्व दो गुटों में बढ़ जाता है, जिसका एक जो है पूंजीवादी गुट होता है और दूसरा साम्यवादी गुट होता है. पूंजीवादी गुट का नेता अमेरिका होता है, साम्यवादी गुट का नेता रूस होता है. तो इन दोनों गुटों में एक वैचारिक प्रतिद्वंद्विता, संघर्ष आरंभ हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सी ऐसी चीज़ें सामने उभर कर आती हैं जो कि बिल्कुल ही कल्पना से परे होती है. जैसे कि जो विश्व के देश हैं तो उन्होंने किस पर फोकस करना शुरू कर दिया, उन्होंने अपने हथियारों को जो है बढ़ाना शुरू कर दिया, अपने डेवलपमेंट को रोक दिया, और डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और जो है इस विकास की अवस्था को जो है गति देने के बजाय उन्होंने हथियारों को जो है प्रमुखता दिया, हथियारों की दौड़ को स्टार्ट कर दिया, प्रारंभ कर दिया. इसलिए कि शीत युद्ध के दौरान उनको ये लगने लगा था दोनों गुटों को कि कभी भी विश्व युद्ध हो सकता है, तृतीय विश्व युद्ध हो सकता है. उसी को ध्यान में रखते हुए, उसी को मद्देनजर रखते हुए अथाह जो है शस्त्रों का संग्रह दोनों गुटों ने प्रारंभ कर दिया. शस्त्रों का संग्रह ही नहीं किया उन्होंने, अंतर्राष्ट्रीय ढेर सारे संगठन बनाए, सैन्य संगठन की स्थापना किया सोवियत संघ ने और जो है अमेरिका ने. इन्होंने जो है सैन्य संगठनों की स्थापना की है, सेनाओं को जो है एकत्रित करने का प्रयास किया और हथियारों की दौड़, मारक क्षमता ये सब बढ़ाने में लग गए. चाहे कि परमाणु युद्धक विमान हो, हथियार हो, चाहे पनडुब्बियाँ हो, युद्ध से संबंधित जितनी भी चीज़ें आती हैं, अस्त्र शस्त्र, उनको जो है इकट्ठा करना शुरू कर दिया था. उसी विचारधारा के तहत ये सब संघर्ष हमको देखने के मिलते हैं. ये दोनों गुटों में बहुत ही संघर्ष की अवस्था उत्पन्न हो गई थी और अंततः जैसे ही शीत युद्ध की समाप्ति होती है, शीत युद्ध की समाप्ति होने के बाद सोवियत संघ का विघटन हो जाता है और सोवियत संघ से जो सोवियत संघ में जितने भी उसके गणराज्य थे तो उनका जो है विखंडन शुरू हो जाता है. आपस में बहुत ही कंट्राडिक्शन उत्पन्न हो जाता है और बहुत से गतिरोध उत्पन्न हो जाते हैं. मैं बता दूं कि
पूंजीवादी जो गुट होता है, तो पूंजीवादी गुट ने यह प्रचारित करने का प्रयास किया कि हमारे जो पूंजीवादी जो व्यवस्था है इसमें उदारवादी व्यवस्था है, लोगों को बोलने की और जो है स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है, किंतु जो साम्यवादी व्यवस्था है तो उसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं दी गई है। तो उन्होंने बहुत ही बड़े पैमाने पर जोर शोर से अपने जो है पूंजीवादी व्यवस्था का जो है गुणगान करना शुरू कर दिया। पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में एक जो है विचारधारा को जो है सभी लोगों ने अपनाने की जो है उत्सुकता प्रारंभ कर दी। सभी लोग जो है पूंजीवादी गुट से प्रभावित होने लगे और जो साम्यवादी गुट है उनमें जो है आपस में प्रतिद्वंदिता, आपस में वैमनस्य, वैचारिक वैमनस्यता जो है शुरू हो गई, आपस में टकराव शुरू हो गया, संघर्ष शुरू हो गया और जो है बहुत सी जो है खामियां उसमें जो है गिनाई जाने लगी। उन्हीं खामियों को मद्देनजर रखते हुए साम्यवादी व्यवस्था में आपस में संघर्ष के दौरान ही और शीत युद्ध की जो है जो भी घटनाएं हो रही थी, जो कोल्ड वार, वैचारिक प्रतिद्वंदता, वैचारिक जो है वैमनस्यता और जो है जिस प्रकार से जो व्यवस्था में एक दूसरे को जो है नापसंद करना, एक दूसरे के विषय में दुष्प्रचार करना, एक दूसरे की व्यवस्था पे सवाल उठाना और एक दूसरे की व्यवस्था को जो है खराब बताना, ये सब जो है पूंजीवादी साम्यवादी गुटों ने प्रारंभ कर दिया था। तो इस व्यवस्था के अंतर्गत पूंजीवादी जो व्यवस्था है उसका जो है प्रचार प्रसार दिन प्रतिदिन पूरे विश्व में होता जा रहा था और उस नई व्यवस्था को सब अपनाने के लिए उतावले थे और साम्यवादी व्यवस्था से लोग जो है उबे हुए थे और कुछ उसमें खामियां थी, जैसे कि स्वतंत्रता वाक अभिव्यक्ति इस तरह की जो है आज़ादी में जो है कम दी गई थी। तो इस प्रकार से उन लोगों में आपस में ये वैचारिक वैमनस्यता संघर्ष उत्पन्न हो गया और इसके बाद ही शीत युद्ध जैसे ही समाप्त होता है, शीत युद्ध के समाप्त होने के साथ ही साम्यवादी जो व्यवस्था होती है पहले तो दो गुटों में बटा हुआ था, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमारा जो है विश्व सिर्फ एक ध्रुव हो जाता है जिसका नेता अमेरिका होता है। पूंजीवादी गुट जो है पूंजीवादी गुट की विजय होती है इस संघर्ष में, जो है साम्यवादी जो गुट जो उसका पराजय हो जाता है और जो है उसका विखंडन हो जाता है। इसके आगे हम देखते हैं शीत युद्धोत्तर विश्व व्यवस्था। हम देखते हैं शीत युद्ध के बाद कौन सी विश्व में जो है नई व्यवस्था उत्पन्न होती है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। शीत युद्ध की समाप्ति के साथ ही साम्यवादी व्यवस्था का विखंडन हुआ, परिणाम स्वरूप सोवियत संघ के गणराज्य स्वतंत्र संप्रभु राज्यों के रूप में उदित हुए। उन्होंने साम्यवादी व्यवस्था को त्याग कर उदारवादी प्रजातांत्रिक व्यवस्था को अपनाया। अमेरिका अपनी महाशक्ति रूपी स्वरूप को बरकरार रखा, ऐसे में इस व्यवस्था को एक ध्रुवीय व्यवस्था कहा जाने लगा। सैन्य गुटों की शीत युद्धकालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी समाप्त हो गई। संयुक्त राज्य अमेरिका अब निर्विवाद रूप से एकमात्र महाशक्ति था, विश्व में एक सैनिक ताकत के रूप में इसका कोई मुकाबला करने वाला नहीं था। तो हम इसके बाद हम इसमें देखते हैं कि शीत युद्ध के बाद जो नई व्यवस्था शुरू हुई तो वो जो एक ध्रुवीय व्यवस्था थी, एक ध्रुवीय व्यवस्था में पूंजीवादी व्यवस्था जिस गुट का नेता अमेरिका था। तो जब वह एक ताकतवर नेता के रूप में उभरा तो इसके बाद क्या होता है, साम्यवादी गुटों में जो है बिखराव उत्पन्न हो जाता है और उससे जो उसके गणराज्य थे वो जो है स्वतंत्र हो गए, आपस में जो है वो टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, विखंडन हो गया था और जो है अलग हो गए, सोवियत संघ से जो उनके गणराज्य थे अलग हो गए और एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में जो है उन्होंने अपने को मान्यता दे दिया और जो है उन्होंने सोवियत संघ से अपने को अलग कर लिया, अलग थलग कर लिया और जो है एक प्रजातांत्रिक राज्य की जो है स्थापना उन्होंने कर दिया। उदारवादी व्यवस्था को उन्होंने अपनाया और जैसा कि मैंने बताया कि पूंजीवादी व्यवस्था को पूरे विश्व में जो है अपनाया जाने लगा था क्योंकि वो अपने इस प्रकार से प्रचारित कर रहे थे कि हमारी व्यवस्था सबसे वर्ल्ड में बहुत अच्छी व्यवस्था है और साम्यवादी व्यवस्था में खामियां। इसके बाद जब
अमेरिका का सैन्य गुट था और सोवियत संघ का जो सैन्य गुट था, तो उनकी भी राजनीति समाप्त हो गई। सैन्य गुटों को भी जो समाप्त कर दिया गया, क्योंकि जो है वो सैन्य गुटों को इसीलिए स्थापित किया गया था कि तृतीय विश्व युद्ध की संभावना को देखते हुए यदि कभी भी अगर युद्ध हो जाए, ताकि युद्ध हो तो किसी को पराजय का सामना न करना पड़े, इसलिए दोनों गुटों ने अपनी सेनाओं को बढ़ाने का प्रयास किया था और सैन्य गुटों की स्थापना किया था। इसके बाद हम देखते हैं अमेरिका इस बात को जानकर अपने वर्चस्व वाली व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास प्रारंभ कर दिया। तो इसमें हम ये देखते हैं कि अमेरिका, जब ये अमेरिका को पता चला कि अमेरिका ही एकमात्र विश्व में सबसे ताकतवर जो है व्यवस्थापक है, ताकतवर लीडर है, तो उन्होंने अपने से जो अन्य देश के लोग हैं, अन्य देशों को अपने अधीन लाने का जो है उन्होंने प्रयास कर दिया। अगला नंबर देखते हैं, अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी अपने वर्चस्व के अधीन करने हेतु प्रयासरत हो गया था। तो अमेरिका ने अन्य देशों को अपने अधीन लाने का तो प्रयास किया ही, साथ ही जो अंतर्राष्ट्रीय ढेर सारे संगठन बने हुए थे, जैसे कि यूनो है, वर्ल्ड बैंक है और गैट है, विश्व व्यापार संगठन है, इन सबों को भी अब उन्होंने जो है अपने अधीन लाने का प्रयास किया और जो है इन पर डोमिनेट करने का प्रयास करने लगा। अगला है, मानव अधिकार के प्रश्न तथा प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं को विश्वव्यापी क्षेत्र में प्रचारित करना अमेरिका की नीति के आधार बने। तो अमेरिका जो विश्व में प्रचारित करने का जो है प्रयत्न किया था, वही है कि हम जो है मानवाधिकारों को जो है हमने अपने संविधान में स्थान दिया है और हमने मानवाधिकार को हमने संयुक्त राष्ट्र संगठन में भी रखा है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग अपनी जो है शासन व्यवस्था को चलाते हैं। तो शासन व्यवस्था इस प्रकार से हमारी है कि मानवाधिकार के हितों को जो हम देखते हैं, प्रमुखता देते हैं, और हम मानवाधिकारों के हितों का हनन कभी भी नहीं करते हैं। तो इसी बात को जो आधार बनाकर अपने पूंजीवादी व्यवस्था को इन्होंने पूरे विश्व में प्रचारित करने का प्रयास किया, जिससे कि सभी देश उसी की ओर आकर्षित होने लगे थे और जो है अमेरिका ने इसी का फायदा उठा करके सभी देशों को डोमिनेट करने का प्रयास भी किया था। अगला नंबर देखते हैं, साम्यवादी व्यवस्था के पतन के साथ ही इन व्यवस्थाओं द्वारा बहुदलीय उदारवाद लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को अपनाना प्रारंभ कर दिया था। साम्यवादी जब व्यवस्था का पतन हो जाता है, तब इसके बाद जो साम्यवादी गुट में शामिल थे वो देश भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था को अपनाते हैं। अमेरिका की जो पूंजीवादी व्यवस्था है, उदारवादी व्यवस्था है, मानवाधिकारों वाली व्यवस्था है, इसी को सभी राष्ट्र अपनाने का प्रयास करते हैं और जो है उसी को आधार बनाकर अपने अपने देशों का विकास करना शुरू कर देते हैं। अगला देखते हैं, आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण का मंत्र जो पूंजीवादी बाजारीकरण व्यवस्था का समर्थन करता था, इस व्यवस्था को आकर्षित करने लगा। जो भी राष्ट्र थे और उदारीकरण, बाजारवाद, पूंजीवाद, उद्योगपति, उद्योग धंधों वाले जो देश थे, तो उन्होंने जो है इस व्यवस्था का समर्थन किया और इस व्यवस्था से आकर्षित होकर इस व्यवस्था का सपोर्ट करने लगे और इस व्यवस्था को अपनाने लगे थे। अगला है, नई वैश्विक व्यवस्था में राजनीतिक सामाजिक प्रश्न गौण हो गए, आर्थिक हितों की पूर्ति ही महत्वपूर्ण हो गया। तो इस जो नई व्यवस्था थी, इसमें जो है सामाजिक, राजनीतिक, इनमें जो है इनमें कोई चर्चा नहीं होती थी, सिर्फ आर्थिक 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 हितों की पूर्ति की जाती थी। आर्थिक, जो कि अर्थशास्त्र के जो विद्वान हैं एडम स्मिथ हैं, उन्होंने भी जो है उन्होंने भी अर्थशास्त्र की थ्योरी का सिद्धांत दिया है और इसी तरह जो है उद्योग धंधों और जो है स्वहित, इसकी जो है बात करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं विश्व व्यापार संगठन का जन्म हुआ। इसके बाद जो है विश्व व्यापार का संगठन हुआ। संगठन में जो है सभी देशों को जो है मान्यता दी गई, सदस्य देश हुए इसके, और जो है सभी देश को जो है व्यापार करने की जो है छूट प्रदान की गई और जो है विश्व में एक दूसरे के साथ जो है व्यापार करने की जो है उनको
छूट प्रदान किया गया था। वैश्वीकरण अथवा वैश्विक व्यवस्था, वैश्वीकरण और वैश्विक व्यवस्था ये क्या है इसको हम देखते हैं। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद पुरानी व्यवस्था के स्थान पर नई व्यवस्था का उदय हुआ, जिसमें सभी राष्ट्र अपना स्थान तलाशने लगे। नई वैश्विक व्यवस्था को वैश्वीकरण के नाम से जाना गया। तो नई व्यवस्था को वैश्वीकरण के नाम से जाना गया। नई व्यवस्था में इंटरनेट आदि के माध्यम से विश्व के सभी देशों का जुड़ाव होता है, तो वैश्वीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन एक तरीके से ये माना जाता है कि एक विशाल गांव की तरह जो है पूरा वर्ल्ड होके सिमट के रह गया है, क्योंकि जो है हम जो हमारे और अन्य देशों के बीच ढेर सारे बहुत सी डिस्टेंस थे, उस डिस्टेंस को कम करने के लिए जो नई टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, इसी की वजह से कंप्यूटर है, तकनीकी है, संचार है, इसके माध्यम से जो है उनमें आपस में जुड़ाव हुआ और जो एक दूसरे के करीब आए। तो इसी व्यवस्था के तहत इसका नाम दिया गया ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। अब देखते हैं वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। तो वैश्वीकरण का अर्थ में देखते हैं, वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ विश्व व्यवस्था का होना है। वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है विश्व की एक व्यवस्था। वैश्वीकरण के अंतर्गत विश्वव्यापी मानव समाज के ढांचे में क्रमबद्ध तथा महत्वपूर्ण इनकी सूचना के बारे में सामूहिक जागरूकता में वृद्धि होती है। इस व्यवस्था में निम्न इसके उद्देश्य हैं। तो इस व्यवस्था में एक दूसरे के देशों के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान होता है और जो है लोगों में जागरूकता उत्पन्न होती है, किस देश में कौन सी गतिविधियां शुरू हो गई हैं और कौन सी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो दूरसंचार, अखबार और टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर आदि के माध्यम से हमको जो है विभिन्न देशों की हमको जानकारी प्राप्त होती रहती है। एक सेकंड के अंदर आज गूगल में सर्च करते हैं तो पूरे विश्व की पूरी जानकारी सामने आ जाती है। तो यही सब टेक्नोलॉजी का यूज है, इसका प्रयोग हो रहा है। तो हम क्या हो गए हैं, हम एक दूसरे से इतना कनेक्ट हो गए हैं कि जो है दूरियां जो है जैसे समाप्त हो चुकी हैं। तो जो है हम एक नई व्यवस्था में, ग्लोबलाइजेशन वैश्विक व्यवस्था में हम बंध चुके हैं। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं हम इसको देखते हैं। इसके नंबर एक, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की स्थापना। तो इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की स्थापना की गई है यूनो के तहत, जिसमें कि यूनो सबको गारंटी देता है, उसके सदस्य देश हैं तो आपस में तो युद्ध करेंगे नहीं। अगर जो सदस्य देश नहीं भी हैं तो उनके साथ भी हमको युद्ध नहीं करना है। अगर जो सदस्य देश नहीं है और सदस्य देशों पर वो जो अगर आक्रमण कर रहे हैं तो हमको जो है एकजुट होकर के उनकी जो है उनको मुँह तोड़ जवाब देना है, उनका मुकाबला करना है और पूरे विश्व में हमको शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए प्रयत्न करना है। ये यूनो का जो है मानना है। अगला है मैत्रीपूर्ण संबंधों में वृद्धि। हमको मैत्रीपूर्ण संबंधों में हमको जो है यूनो के तहत मैत्रीपूर्ण संबंधों में हमको वृद्धि करना है। जो सदस्य देश हैं आपस में प्रेम पूर्वक सौहार्दपूर्ण वातावरण विकसित करेंगे और जो है मैत्रीपूर्ण जो एक दूसरे के साथ व्यवहार करेंगे। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा सामंजस्य। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा सामंजस्य हमको बनाए रखना है। विश्व की सबसे बड़ी व्यवस्था है संयुक्त राष्ट्र संघ, उसी के अंतर्गत हम जो है आपस में जो है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा सामंजस्य। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा सामंजस्य को हम यूनो के तहत इसको जो हम बढ़ाने का और जो है अपनाने का प्रयास करते हैं। अगला है सार्वभौमिक समानता। सार्वभौमिक मतलब पूरे विश्व की जो समानता पर हम विश्वास करते हैं, जो यूनो के तहत जो सभी सदस्य देश हैं तो उनको जो है हम समानता के आधार पर हमको उनको लेते हैं और जो किसी के ऊपर भेदभाव छोटे बड़े का इस प्रकार से डोमिनेट करने का प्रश्न नहीं उठता है। अगला है सद्भावना। हमको जो है एक दूसरे से सद्भावना, भाईचारे इस चीज़ का भी हमको ख्याल रखना है। आपस में पूरे विश्व में हमको सौहार्दपूर्ण वातावरण विकसित करना है। अगला है विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। तो संयुक्त राष्ट्र संगठन के अंतर्गत जो संयुक्त राष्ट्र संगठन है तो वो विवादों का
शांतिपूर्ण समाधान करता है। बात बात में ये नहीं कि युद्ध की धमकी भी नहीं देता है कि बात बात में सभी राष्ट्रों को युद्ध की धमकी देने लगे, तो सभी सदस्य देशों का जो है शांतिपूर्ण जो है विवादों का समाधान किया जाता है। अगला है, किसी धमकी अथवा बल प्रयोग का अभाव, घरेलू क्षेत्राधिकार मामले में संयुक्त राष्ट्र का हस्तक्षेप। तो संयुक्त राष्ट्र घरेलू मामले में हस्तक्षेप नहीं करता है, क्योंकि जो है प्रत्येक राष्ट्र अपने आप में संप्रभु है। अगर हस्तक्षेप करेगा तो किसी की संप्रभुता पे जो है अगर हस्तक्षेप किया जाएगा तो उसकी संप्रभुता बरकरार नहीं रहेगी। हमको प्रत्येक राष्ट्र को जो है हमको संप्रभुता देनी है। सभी राष्ट्र अपने आप में संप्रभु हैं, सर्वशक्ति हैं, वो कोई भी कानून अपने देश के लिए बनाने के लिए फ्री हैं और पूरे देश में लागू करने के लिए फ्री हैं। इसमें जो है संयुक्त राष्ट्र जो है कभी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है और प्रत्येक राष्ट्र को अपने अपने कानूनों को जो है लागू करने की स्वतंत्रता है। घरेलू मामलों में संयुक्त राष्ट्र कभी भी किसी भी देश के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के अंग के रूप में आर्थिक व सामाजिक परिषद की स्थापना की गई है। तो पूरे विश्व में आर्थिक सहयोग अपनाने के लिए, आर्थिक सहयोग करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने आर्थिक सहयोग परिषद की जो है स्थापना किया है, इसलिए कि पूरे विश्व में आर्थिक रूप से एक दूसरे को हम मदद कर सकें और आर्थिक क्षेत्रों में एक दूसरे के देशों में इन्वेस्टमेंट करना, जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापित करना और व्यापार को बढ़ावा देना। इससे क्योंकि अगर ट्रेड व्यापार ये सब विकास करेगा, उद्योग धंधे विकसित होंगे तो देश का भी विकास होगा। अगला है, वैश्वीकरण के युग में राष्ट्र राज्य। तो वैश्वीकरण के युग में राष्ट्र राज्य को हम देखते हैं। नंबर एक, आर्थिक युग में विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देश होने के नाते यह संगठन अपने विधान से राज्यों को बांधता है। तो आर्थिक युग में जो विश्व व्यापार संगठन है तो अपने विधान मतलब नियम कानून जो शर्तें होती हैं विश्व व्यापार संगठन की, तो उनको जो सभी देशों को जो है मानना पड़ता है। सभी देश उसके सदस्य देश हैं, तो अगर सदस्य देश हैं तो उनके रूल रेगुलेशन का फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। तो इस प्रकार से नियम कानूनों से सब बंधे होते हैं और कोई भी राष्ट्र मनमानी नहीं कर सकता है। अगला है, संगठन देशों के कुछ अधिकार भी प्रदान करता है, वह अपने को संगठन से अलग भी कर सकते हैं। अगर किसी राष्ट्र को ऐसा लगता है कि हमारा शोषण हो रहा है या हमको जो है कोई बेनिफिट नहीं है या नुकसान हो रहा है संगठन की वजह से, तो संगठन यह अधिकार देता है कि वो अपने आप को संगठन से अलग कर ले। अगला हम देखते हैं, विकासशील राष्ट्रों को संगठन के माध्यम से विकसित राष्ट्रों के संरक्षण भी मिलता है। तो विकासशील जो संगठन है, विकासशील देश हैं, तो संगठनों से उनको जो है संरक्षण देने के लिए उनको वादा भी किया गया है और उनमें जो है इस बात की जो है चर्चा भी की गई है कि विकासशील देशों के हितों का हम संरक्षण करेंगे। हम अगर हितों का संरक्षण नहीं होता है तो विकासशील देशों ने जैसे नैम, गुट निरपेक्ष आंदोलन, इस प्रकार की जो संस्थाएं बनाई हैं, उस संस्थाओं को ध्यान में रखते हुए संस्थाओं के सभी सदस्य मिल करके जो संयुक्त राष्ट्र संघ है या विकसित राष्ट्र हैं उसके उनसे अपने जो है हितों की मांग करते हैं, हितों की पूर्ति के लिए मांग करते हैं। अगर हितों की पूर्ति जो है संभव नहीं है, नहीं हो सकता है, तो जो है वार्ताएं जो होती हैं असफल हो जाती हैं। यदि विकासशील राष्ट्रों के हित में फैसले नहीं लिए जाते तो वार्ताएं असफल हो जाती हैं। अगर कोई भी फैसला विकासशील राष्ट्रों के बीच में विकासशील राष्ट्रों के हित में नहीं लिया जा रहा है तो ये फैसले जो है असफल हो जाते हैं। क्योंकि विकासशील राष्ट्र ढेर सारे राष्ट्र हैं
और उन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना भी कर रखी है, तो एकजुट होकर के एक मंच पे अपनी आवाज़ उठाने के लिए यूनाइट होकर के उस वार्ता को असफल कर देते हैं और जो है किसी भी जो शोषणकारी नीतियां हैं, जो ऐसे नियम बने हुए हैं, जो ऐसे कानून बने हुए हैं, उनको जो है मानने के लिए बाध्य नहीं है और जो है उसका बहिष्कार कर देते हैं। अगला है सारांश। सारांश में हम देखते हैं शीत उद्योत्तर विश्व व्यवस्था अपनी पूर्ववर्ती व्यवस्था से भिन्न है। अभी तक इस व्यवस्था में कोई स्थिरता नहीं दिखाई पड़ती है। यह व्यवस्था परिवर्तन के बहाव से गुजर रही है। इस व्यवस्था को नई वैश्विक व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। तो नई वैश्विक व्यवस्था तो नाम दे दिया गया, पूंजीवादी पूरे विश्व में अपनाया जाने लगा है, लेकिन इसमें इस व्यवस्था में क्या है, इसमें कोई स्थिरता नहीं है। जो राष्ट्र बड़ा है तो बड़ा ही होता जा रहा है, गरीब राष्ट्र गरीब ही होता जा रहा है, और जो है गरीब अमीर के बीच देशों में जो की बात हम करें तो गरीब अमीर के बीच खाई होती जा रही है इस व्यवस्था में, और जो है कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, गरीब व्यक्ति की कोई सुनाई नहीं है, जो अमीर है बहुत ही अमीर होता जा रहा है पूंजीवादी व्यवस्था। तो पूंजीवादी व्यवस्था में भी आज सवाल उठने लगे हैं। जिस पूंजीवादी व्यवस्था को पूरे विश्व ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था समझ करके अपनाया था, उसमें भी आज सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि जो है गरीबी बेरोजगारी भुखमरी एक जो है विशेष जो है निम्न तबका है, नीचे का वर्ग है, तो उसमें बहुत ज़्यादा व्याप्त हो गए हैं, लोग शोषण हो रहा है, लोग आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहे हैं, तो कर्ज में डूब रहे हैं। इस वजह से यह व्यवस्था एक प्रकार से जो है खामियों को लेकर के आगे बढ़ रही है। तो इसमें आगे देखते हैं, यदि साम्यवादी व्यवस्था का भी खंडन नहीं हुआ होता तो भी उदारीकरण की व्यवस्था हो सकती थी। जैसे चीन ने अपनी साम्यवादी व्यवस्था का त्याग किए बिना आर्थिक उदारीकरण के मार्ग में प्रवेश किया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि सोवियत संघ का विखंडन नहीं हुआ होता, साम्यवादी व्यवस्था का जो है विखंडन नहीं हुआ होता, समाप्त नहीं किया गया होता, तो उसमें कुछ सुधारों के साथ उसको आगे बढ़ाया जा सकता था, उसी व्यवस्था में उदारीकरण को अपनाया जा सकता था। क्योंकि चाइना ने भी अपनी जो है समाजवादी व्यवस्था साम्यवादी व्यवस्था में उदारीकरण को अपनाया है और जो है एक नए रूप में अपनी साम्यवादी व्यवस्था को ढालने का प्रयास किया है और विकास को गति देने का प्रयास किया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिस व्यवस्था को हम जो है खराब समझ करके हमने त्याग दिया था साम्यवादी व्यवस्था को, तो और जो है उसके स्थान पर विश्व में पूंजीवादी व्यवस्था को जो है लागू किया गया था, वह पूंजीवादी व्यवस्था लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं दे रही है, गरीबों की गरीबी और बेरोजगारों की बेरोजगारी मिटाने में कामयाब नहीं हो रही है। वर्तमान उदारीकरण वैश्विक व्यवस्था में ऐसे नियम की आवश्यकता है जिससे किसी भी राष्ट्र के राष्ट्र समूहों के हाथ की कठपुतली न बनाए जाने की संभावना का निषेध किया जा सके। वैश्वीकरण ने पूरे विश्व को एक विशाल गांव का सपना दिखाया, तो जिन चुनौतियों का सामना विकासशील देश कर रहे हैं वो है गरीबी बेरोजगारी भुखमरी अल्प विकास जो उनके कष्ट के कारण बने हुए हैं। विश्व शांति सुरक्षा विकासशील देशों का विकास बहुधुरी व्यवस्था में संभव है। तो कहने का तात्पर्य है वैश्वीकरण जो उदारीकरण व्यवस्था है, तो राष्ट्र जो विकासशील हैं तो उनमें कौन कौन से जो है कमियां, मतलब कौन कौन उदारीकरण व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो है जो विकासशील राष्ट्र हैं वो कठपुतली की तरह यूज किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, उन देशों में भुखमरी बेरोजगारी गरीबी इस प्रकार से छाई हुई है कि जो है बिल्कुल गरीबी बेरोजगारी भुखमरी वहाँ पे छाई हुई है बहुत अधिक, जिससे कि लोगों में निराशा हताशा आत्महत्या की स्थिति बनी हुई है। इसी स्थिति से उभरने के लिए उदारीकरण की जो व्यवस्था है उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। इसी के साथ थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।